हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया, दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। जो कि आज की वीडियो है एक पैशन ऑफ द क्राइस्ट करके एक मूवी से है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का उस व्यक्ति ने रोल किया था, प्रभु यीशु मसीह का। तो उन्होंने अपने गवाही देते हुए उन्होंने बताया कि जब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का रोल किया तो उसको निमोनिया हो गया था, उसको शैतान ने भरमाने की कोशिश की, वो मरने वाला था। वो बहुत सारी प्रॉब्लमों का फेस करते हुए उस पिक्चर को, उस फिल्म को कंप्लीट किया, पैशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट मूवीज़ को। तो उनकी गवाही है, ये गवाही वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप अपने दोस्त यारों में, अपने घर फैमिली परिवार के लोगों के बीच में ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। जब एक व्यक्ति को क्रूज पे लटकाया जाता है, पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी, उस एक्टर ने बताया था कि सिर्फ मूवी करने के चक्कर में मेरे को निमोनिया हो गया था और क्रूज पे जब मैं वो सीन बना रहा था तो मैं इतना बीमार था कि मेरी डेथ हो सकती थी। जैसे कि ये अक्सर होता है कि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शैतान आकर आपको दबाने की कोशिश करता है। मैं भी अचानक से सोचने लगा कि मुझे इस फिल्म के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी और मैंने तो इतने गलत काम किए हैं, जब लोगों को पता चलेगा तो ये सही नहीं होगा और मुझे इस फिल्म के लिए ना कर देनी चाहिए, मैं इस मूवी के लायक नहीं हूँ। और फिर डायरेक्टर ने भी मुझे कॉल किया और कहा कि शायद इस फिल्म के बाद तुम इस शहर में एक्टिंग नहीं कर पाओगे और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होना चाहता। और मुझे भी डर लगने लगा और फिर मुझे एहसास हुआ कि इस काम के लिए परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं, मेरा ये टैलेंट परमेश्वर की ओर से है, ना कि इंसानों की ओर से। और मैंने अपने आप से कहा कि हम सब बुलाए गए हैं अपनी अपनी स्लीब उठाने के लिए और अगर हम अपनी स्लीब को नहीं उठाएंगे तो इसके वजह से ज़रूर कुचले जाएंगे। जब सवाल आता है इस फिल्म को करने के बारे में तो मैं सोचता हूँ कि अगर हमने ये मूवी किसी नियंत्रण सेटिंग में की होती तो आप शायद असल प्रदर्शन को कभी नहीं देख पाते। ये सच में बहुत ही दर्दनाक और पीड़ा से भरा हुआ था। शुरुआत में ही मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं यीशु के जैसे बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे देखें, मैं चाहता था कि लोग यीशु मसीह को देख सकें, कि जब लोग इस मूवी को देखें तो वो अपने आप को देख सकें, जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं ऐसे नहीं, पर परमेश्वर की नज़र से कि वो हमें कैसे देखता है। अनजाने में मुझे बहुत कोड़े भी लग गए थे और मैं बुरी तरह से चोटिल हो गया था। जब मैं स्लीव को उठाया हुआ था तो मेरा ये कंधा बुरी तरह से जख्मी था। मूवी को करने से पहले मेरा वज़न तकरीबन 210 पाउंड के आसपास था, पर मूवी के बाद जब मैं स्लीव पर था मेरा वज़न 168 पाउंड ही रह गया था। मैं बहुत बीमार हो चुका था, मेरे दोनों फेफड़े तरल पदार्थ से भर गए थे, निमोनिया हो गया था। और जब शूटिंग ख़त्म हुई तो बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन मुझे दिल की सर्जरी करवानी पड़ी थी और शूटिंग के अंतिम दिन में आसमानी बिजली मुझ पर गिर पड़ी थी। और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मैं बहुत ही एक गहरी परिस्थिति में था और पूरी शूटिंग के दौरान मैं लगातार प्रार्थना करता रहता और वचनों पर मनन करता था। और जैसे कि आप कहोगे कि मैं चरित्र में कैसे बना रहा, तो ये एक बहुत ही एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मैं जानता था कि लोग यीशु को तभी देख पाएंगे अगर हम प्रार्थना और उपवास में बने रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास रखना तो शीघ्र था मेरे बीमार होने की वजह से। और फिर मूवी के अंत में जब मैं स्लीप पर था तो मेरा पूरा शरीर नीला पड़ गया था, ये कोई मेकअप नहीं था, मेरा शरीर सचमुच नीला पड़ गया था। स्लीप के ऊपर मेरा ये का बहुत ही बुरी हालत में था और वो दर्द मेरे सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर थी और मैं इतना बीमार था कि अगर ये कंधा निकल भी जाता तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। और मेरे दिल में भी मुझे कुछ समस्या महसूस हो रही थी। और फिर जब डॉक्टर ने मशीन लगाकर चेकअप किया तो उसने हमारे डायरेक्टर मेल गिब्सन से कहा कि ये मर सकता है। तो हमारे मेल गिब्सन भी सोचने लगे और फिर मुझसे कहा कि जिम क्या करना है। तो मैंने मेल गिब्सन से कहा कि मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ, ये अब मेरे और परमेश्वर के बीच का मामला है, तो मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझा था और उस समय मैं बिल्कुल तैयार था परमेश्वर के पास जाने के लिए। पर मैं जानता था कि अगर मैं इस फिल्म को बनाते हुए मर भी जाऊँ तो बहुत से लोग इस फिल्म के द्वारा बचाए जाएंगे। मूवी के अंतिम सीन में जब मैं चट्टान के ऊपर चढ़ रहा था
तो आधे रास्ते में, जबकि हर कोई अपने अपने पोजीशन में था, उस समय वहाँ पर तकरीबन 250 के करीब कुछ लोग थे। तो रास्ते में ही मुझे एक साया महसूस हुआ। ये एक बुरी आत्मा थी, मुझे भटकाने के लिए कहा कि तुम तो मर रहे हो। तो मैंने कहा कि ये तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अब किसके पास जा रहा हूँ। स्लीप के ऊपर जब मैं, तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब स्लीप के ऊपर किसी की मृत्यु होती है तो वो दम घुट के ही होती है, और शारीरिक तौर पर मैं भी इसी तकलीफ़ से जूझ रहा था। शायद हमारा प्रभु चाहता था कि मैं भी उस दर्द को महसूस करूं जो उसने सहन किया था, पर प्रमेर मुझे संभाल रहा था और मेरा हाथ पकड़े हुए था, और वो शायद चाहता था कि तुम कहाँ तक मेरे साथ चल सकते हो। और मैंने कहा कि प्रभु मेरा कतरा कतरा हाजिर है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि सप्ताह में सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके आप ओलंपिक एथलीट या फिर विश्व प्रसिद्ध चैंपियन नहीं बन सकते हैं। यीशु को अपने जीवन में आपको हर पल प्रतिदिन लेना है। यीशु ही आपकी सच्चाई है, वो आपकी ज़िंदगी है, वो आपके साथ हर पल रहना चाहता है, आपके जीवन का वो कोच है। जब आप गिरते हैं तो वो आपको हिम्मत देता है फिर से चलने की, वो आपको सहारा देता है, वो चाहता है कि आप उसके लिए और ज़्यादा, वो आपको उत्साहित करता है कि आप उपवास करें, लगातार प्रार्थना करें, सप्ताह में बस एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन। आप में से जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है उसे आप दिल में बिठा कर रखें, क्योंकि जब कभी भी आप पाप करते हैं आप उसका इनकार करते हैं। पवित्र बनो जैसे कि आपका बुलाने वाला भी पवित्र है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी गवाही देते हुए उन्होंने बताया कि उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई उस फिल्म को करते हुए, तो प्रभु ने उसको संग साथ रहे और किस प्रकार से उनको बचाया प्रभु यीशु मसीह ने, और किस प्रकार वो फिल्म को कंप्लीट किया और लाखों लोगों के आत्माओं को बचाने का श्रेय मिला उनको। और उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि उनको दूसरे फिल्म ना मिलना, क्योंकि जीसस फिल्म करने के बाद हॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संसारिकता वाला मूवीज़ बनाते हैं, जिसके चलते मूवीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो सकता था, और हुआ उनको जिस प्रकार उन्होंने बताया उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर भी से उन्होंने उनके परिवाह न करते हुए प्रभु यीशु मसीह के फिल्म को किया और उनके उनके फैमिली परिवार की आत्माएं बची, और साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को बचाया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया करके मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप प्रार्थना स्तुति आराधना करें तो रोज़ करिए, जिस प्रकार इस भाई ने बताया कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना, हफ्ते में एक बार ज़रूरी नहीं है, रोज़ प्रार्थना करना है। रोज़ संगति में, संडे के दिन तो ही संगति होता है, संडे फ्राइडे को ही संगति रहता है ना, विश्राम को दिन, बाकी दिन तो हम लोग काम करते ही हैं, तो प्रभु के लिए उतना तो कर सकते हैं। 5 मिनट की प्रार्थना करने से क्या आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा? तो प्रार्थना करिए, स्तुति आराधना करिए, वचन में बढ़े रहिए और पाप में गिरने से बच के रहिए। और उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, आप लोग जानते हो, क्योंकि अंत का दिन नज़दीक है, हम कब मर जाएंगे, पृथ्वी कब नष्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली मेम्बर जरूर से बनिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको और पूरे फैमिली को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।